अच्छा सर इस टाइम सोशल मीडिया हो या मीडिया उस पर बात की जा रही है कि 48 एट आवर्स के बाद अर्थ एक मतलब आने के चांसेस हैं तुर्की में भी मतलब कि ये उन्होंने प्रडिक्शन की हैं मुख्तलिफ जगह पर हो रही है आप क्या समझते हैं कि क्या अर्थ एक जो है वो आ सकता है सर देखें अल्लाह ताल जो है ना सूरज जल्जाल में ये बताता है कि ये अल्लाह की निशानियों में से है ठीक है और जो चांसेज़ हैं साइंटिफिक तो वो तो बने हुए हैं इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जहाँ तक डिज़ास्टर की बात है कि कोई अल्लाह ना, ना करे को पाकिस्तान में बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है या कुछ हो सकता है उसके चांसेस मुझे इतने नज़र नहीं आ रहे ठीक है। लेकिन हो सकता है अर्थ क्यों को आ जाए कोई ऐसी चीज़ हो जाए ये अल्लाह के हाथ में एनर्जी पैटर्न्स मुझे कोई किसी सानहे की इतला नहीं दे रहे खासतौर तो पर पाकिस्तान में सबसे बड़ा साइंसदान खुद अल्लाह है अल्लाह के बनाए हुए सीक्वेंस और सिस्टम को पढ़ना है महकमा मौसमियात वाले अगर आपको कहते हैं कि जी कल तूफ़ान आना है तो कोई ऐसा सफ़र जो है हंजा का या गिल का मत करें रास्ते में लैंड स्लाइडिंग हो जाती है नहीं मानते आप उसके बाद पत्थर गिरता है गाड़ी पर तो शहादत हो जाती है तो अल्ला या कसूर है या तोडा बिल्कुल बड़ा सर जबरदस्त एक ये एक यूनिक टॉपिक ही बन गया एक तरह का जो आपने लोगों को अवेयर किया है बहुत शुक्रिया टॉपिक का थैंक यू सो मच आपकी इजाजत से कुछ सवाल कर अस्सलाम वालेकुम मेरी बेटी का नाम हिना है डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1993 है टाइम 2 एम है इनकी शादी चार साल हो गए हैं औलाद नहीं है वो खुद डॉक्टर हैं प्लीज़ बता दें आपकी बहुत मेहरबानी होगी अल्लाह इनको ज़िंदगी से सलामती दे जी बेटियाँ बहुत कीमती होती हैं कायनात की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ने बेटियाँ बनाई हैं जब अल्लाह खुश होता है तो वो बेटियाँ देता है और अगर इनकी शादी हुई है और औलाद नहीं है तो दो चीज़ें हैं औलाद हमेशा जो है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों को देख के बताई जाती है लेकिन जो इनके आदाद हैं इसमें मुझे इनके थोड़े से ना कुछ ना कुछ हेल्थ अफेयर्स डिस्कस जो है ना कुछ डॉक्टर हैं लेकिन ये अपनी डाइट का या कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं कर पा रही मुझे लगता है इसकी वजह हो सकती है, है। लेकिन ये हंड्रेड परसेंट ये वजह नहीं होगी जब तक मियाँ बीवी दोनों का जायचा सामने ना हो इट्स नॉट पॉसिबल टू टेल यू हंड्रेड परसेंट के वट एग्जैक्ट रीज़न इज़ रीज़न इज़ ठीक है सर सर नेक्स्ट है समीरा शेख़ uh, सर मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ क्वेरियस हूँ मेरी तकलीफ़ कब दूर होगी अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करे बेटा अल्लाह आपको हमेशा हमेशा अपनी पनाह में रखे तकलीफ़ का हाल सिर्फ अल्लाह ही है और अपने आप को जितना अल्लाह के करीब कर सकते हैं वो कर लें एक्वेरियस के हालात अच्छे हो रहे हैं एक्वेरियस के लिए एनर्जीज़ अच्छी हो रही हैं और सबसे बड़ी ताकत बेटा किसी से मेरे समेत किसी भी एस्ट्रोलॉजर से किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है जब आप अपने अल्लाह से कनेक्टेड हैं वाह क्या बात है प्लीज जब, प्ली। जब इंसान अपने अल्लाह से कनेक्टेड होता है ना तो उसका इनर का जो मैंने पहले बताया था ना कि अंदर एक अल्लाह ने रेडियो और टेलीविजन लगा के भेजा हुआ है जिसमें तस्वीरें आती हैं इंसान को ये कनेक्शन जुड़ जाए तो आपको ज़रूरत ही पेश नहीं आती हमारे पास तो उसने आना जिसके पास ये ये सिस्टम नहीं है उसको भी हमने अगर दयातदारी से ये नहीं ना बताया कि अपने आप को अल्लाह से करीब कर लो तो ये जुड़ जाएगा तो सानू भी अगे चित्र पै जाने बिल्कुल ऐसे ही सर अच्छा सर नेक्स्ट है प्लीज़ लाजमी जवाब दें एक मंथ बाद शादी है कैसी रहेगी नमाज़ फरहत यासमीन अट्ठाईस बारह नाइनटीन नाइन्टी वन मदर का नाम है मुख्तार बेगम लड़के और मेरा स्टार लड़के का और मेरा स्टार कैप्री कौन है दोनों का कौन के लिए तो लग का है दोनों की शादी अगर है तो अच्छी है और अगले महीने यानी इस बा ये जो है अक्टूबर शुरू हो गया तो अगला महीना यानी नवंबर तो नवंबर की अगर दूसरे हफ़्ते के बाद हो जाती है शादी तो बहुत अच्छी रहेगी इनशा ज़बरदस्त मैं लियो हुई इकतीस जुलाई ट्रबल सर अल्लाह ज़रूर करम करेगा लियोस के लिए इस वक्त थोड़े से फीय ज़रूर बने हुए हैं लेकिन लियोस के लिए कामयाबी ज़रूर है और इन अल्लाह करम नवाज़ी ज़रूर करेगा बेफिक्र करे। है जी से इन श्ला मेरा नाम मोहम्मद जुहेब है मेरा ताल्लुक बुर्ज असद से है सवाल यह है कि मेरे लिए कारोबार ठीक रहेगा या नौकरी कैरियर के मतलब के हवाले से कब तब्दीली मतलब मैं करूँ और क्या करूँ प्रॉब्लम का शिकार आदात के मुताबिक जो है इनका नाम और इनका स्टार दोनों बिज़नेस की तरफ है और लेकिन ये है कि इनके जो है डिसीजन हमेशा शेक होते हैं इन्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और जो फ़ैसला सोच समझ के एक बार कर लें फिर उसके ऊपर मतलब उसको फिर पूरा उसका पैरा भी दें तो थिंग्स वुड बी टू वरी अबाउट आपने बोला था बारह नबी अव्वल वाले दिन तमाम मुसलमान बहन भाइयों दो रखत नमाज शुक्राना पढ़ें और सूरत मोहम्मद की तलावत करें अलहमदिल्ला आपकी बात पर अमल किया है पाकिस्तानी बॉय के नाम से अल्लाह ताला, ताला आपके ऊपर करम करे जी ये तो बाखरे सालतम आप सरकार ख़त्मी है मरतबा सरबर एमबिया सल्हम से वफ़ादारी और उनसे मोहब्बत का तकाज़ा है जी मैं तो इस बात को मानता हूँ कि कमियों की इज्जतें जो है ना वो सरदारों और मालिकों के नाम से होती हैं तो कायनात के सबसे बड़े सरदार और कायनात के सबसे बड़े मालिक सरकार मरतबा सरबरे अम्बिया हैं उन्हीं के लिए ये कायनात बनाई गई है और उन्हीं के घर से वफ़ादारी बहुत ज़रूरी है तो अगर आपने सिर्फ़ इस बात का शुक्राना अदा किया है कि अल्लाह ने आपको दीन दिया रसूल अल्लाह की जो है मार्फत अदा की तो ये आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है बन के आएगा इनशाला दुनिया देखा जबरदस्त फ़ातमा मजीद मदर का नाम है अति अंजुम डेट ऑफ बर्थ है एक एक नाइनटीन शादी और पैसा और करियर को कुछ बता दें इनके जो आदाद हैं इसके मुताबिक पैसा तो इनके पास जो है वो बड़ी सेविंग नहीं है क्योंकि इन, इनके हाथ से खर्च बहुत होता है मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी सेविंग नहीं कर पाती होंगी लेकिन शादी इनकी हो जाएगी और करियर इनका अच्छा बिजनेस की तरफ जाएँ अस्थेटिक्स इनके बहुत अच्छे होने चाहिए इन नेम में सानिया शाहिद अट्ठाईस ग्यारह दो हज़ार एक मदर का नाम है अफरा मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ मास्टर के लिए अब चले जाऊँगी अफरा के आदात तो ठीक हैं इनके अफरा के तो यस जी जा सकती थोड़ी सी रुकावट ज़रूर आएगी जा सकती है नाम है अहमद बिलाल मदर का नाम है नगमगाना अकमल डेट ऑफ बर्थ है तेईस मार्च 1992, बोर्न इन रमदान बिटवीन असर एंड मगरिब, 14 फरवरी 2023 को निकाह हुआ जो 10 दिन में ख़त्म हो गया अब दूसरी शादी के कब तक चांसेस हैं? आदात के मुताबिक जो है ना जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लें इनके हो जाएंगे लेकिन अभी जो है आदाद इनके करियर की तरफ है पहले अपना करियर सेट करें उसके बाद फैमिली की तरफ आ जाएं तो कामयाब ज़रूर हो जाएंगे अभी 24 में चांस हैं उससे पहले नहीं है ठीक है असल मई सर नितहा मकसूद प्लीज़ एजुकेशन कम्प्लीट करेंगे या जॉब बेहतर है या बिज़नेस इनके आदात के मुताबिक जो है ना ये एजुकेशन तो इनकी हो जाएगी लेकिन साथ साथ चलती रहेगी छोटा मोटा बिज़नेस शुरू करें और बिजनेस में आगे बढ़ते जाएं साथ साथलीम को जारी रखें इनकी असल में मुझे लगता है एजुकेशन का जो स्टेटस होगा ना वो टेक्निकल या कोई स्किल इन्हैंसमेंट वाला या अपनी फील्ड से रिलेटेड जिसमें स्पेशलाइजेशन वगैरह वाली सीन है वो बन सकते हैं वो इनको ज़्यादा रास आएंगे ठीक है सर एक भाई साहब इन्होंने कमेंट किया हुआ है कि जाफ़री साहब से मैंने मुलाकात करनी है तो तरीक़ार क्या है सर मैं कोई जो है वो को दुनिया के अलावा तो कहीं रहता नहीं हूँ कोई एलियन तो हूँ नहीं लेकिन बात यह है कि मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है मैं कभी कहाँ होता हूँ कभी कहाँ होता हूँ और मुझे अपने स्केज्स का भी आइडिया नहीं होता आपको भी पता कि आप कभी है। मतलब मैं किसी वक्त होता हूँ किसी वक्त मैं फौरी तौर रिप्लाई भी देते हैं जाफरी साहब हमें और यार बड़ा यार प्यार यार भी करते यार हैं यार ये है कि असल में मेरा चूंकि ट्रैवलिंग ऐसी है मेरे काम मतलब सिर्फ दिस इज़ नॉट माई प्राइम बिजनेस मेरे और एक दो बिजनेस हैं तो मुझे वो भी देखने हैं कुछ हमारा जो फैमिली के कुछ काम है कुछ कुछ फैमिली के बिज़नेस हैं वो देखने तो वो मुझे साथ साथ वो भी करने पड़ते हैं तो इसलिए मैं कुछ वादा नहीं कर सकता कोशिश कर लेंगे यासिर महमूद डेट ऑफ बर्थ सत्रह बारह उन्नीस सौ पचहत्तर टाइम साढ़े सात बजे यासिर साहब हाँ हैं थोड़े से डिसजन के ऊपर जो है ना वो ध्यान करें डिसजन को जो है वो अपने ऊपर काम करें इंशाल्लाह हो जाएगा कामयाब तो ये हो जाएंगे इनको कोई मसला नहीं है कामयाबी तो अल्लाह सबको देता है जी कामयाबी रास किसी किसी को आती है क्या बात है कामयाबी अल्लाह देता सबको है जो है खुशकस्मती हारे का दरवाज़ा खड़का उसको आके नॉक जरूर करती है ठीक है खोलता दरवाज़ा कोई कोई है। क्या बात है सर फलक शेख इसके तो बारे में क्या मौजें करें।, करें नहीं मौजें करें कुछ नहीं है आपका आपको मैंने जितना तफसील से ज़ायचा देख के बता दिया बहुत सारी बातें यहाँ ऑन एयर बताने वाले भी नहीं है इसलिए बस मुस्कुराएं और मौज करें आपके सारे आला ठीक है इन सर सर बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच सर बहुत प्यार देते हैं और वाकई जितना आप नाजिंद स्क्रीन पर देखते हैं इससे भी ज़्यादा प्यारे हैं जाफरी साहब अल्लाह तला आपको सलामत रखें सर थैंक यू सो मच जो करता है अल्लाह करता है अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ जी पाकिस्तान जिंदाबाद